नमस्कार साथियों, मैं देख रहा था कल से कई साथी निराश होकर घर बैठे हैं। साथियों, तो चुनौती थी, चुनौती को आपने बड़ी मजबूती से अपने हाथों में लिया, लड़ाई लड़ी। कोई भी मैदान हो उसके अंदर फतेह एक व्यक्ति कर सकता है, और दूसरा जरूर उस हार से अपने आप को परस्त ना माने, उस हार के बाद भी रास्ता देखे और रास्ता देखकर आगे बढ़ने की तैयारी करें। मैं तो एक चीज़ मान सकता हूँ कि हिसार की जनता ने अपार प्यार दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। 3 लाख वोट इस मोदी वेव में आने के बावजूद लोगों का जो प्यार मिला है, मैं ये मानता हूँ कि लोगों ने दिखाया है कि एक बदलाव जो आप चाहते हो पूरे प्रदेश में हो, उस बदलाव को जननायक जनता पार्टी के तौर पर लोग देखने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट कोई पार्लियामेंट तक सीमित नहीं था। हमारा लक्ष्य केवल मात्र एक है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर किस मजबूती से मैदान में उतरे, लड़े और प्रदेश के अंदर युवाओं की सरकार बनाने का काम करें। और उसी लक्ष्य के साथ मैं तो तमाम साथियों से एक ही विनती करूँगा, कमर कसकर खड़े हो जाओ। 24 घंटे जरूर आपने निराश होकर आराम कर लिया होगा, मगर अब आराम करने का समय नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि मोदी जी को 5 साल मिल गए। उनको 5 साल मिले हैं केंद्र को चलाने के लिए, हमें 5 महीने मिले हैं प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। मैं तो शुभकामनाएं देता हूं तमाम उन सांसदों को जो अपने दम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत कर गए, और बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि बहुत अच्छी तरीके से उनने अपने कैंपेन को चलाने का काम किया। मैं हरियाणा के वासियों से, हरियाणा के युवाओं से आग्रह करूंगा कि अब समय है अपना दम दिखाने का, युवा शक्ति को मैदान में उतार कर ताकत के साथ आगे बढ़ाने का। और उसके लिए तमाम साथियों से आग्रह भी है, विनती भी है कि डट जाओ, मंड जाओ, मैदान में उतरने की तैयारी कर लो और एक एक साथी से आज से संपर्क करना शुरू करो। ये जो 5 महीने हमारे पास है, ये जो 150 दिन हमारे पास है, ये आने वाले हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बनाने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं तो निकल पड़ा हूँ, और आप भी निकलकर अपने संगठन को, जननायक जनता पार्टी को एक ताकत देने का काम करें। उम्मीद करता हूँ कि कल शाम को साइबर चौपाल के माध्यम से 1 घंटा आप लोगों से दोबारा जुड़ूं और तमाम विषयों पर 7 से 8 बजे चर्चा करूं, जिनको लेकर हम आगे कैसे पॉजिटिवली एक अच्छी सोच के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। आप तमाम साथी जुड़े, आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।